अनुपमा अक्षय तृतीया की पूजा के बाद अनुज कपाड़िया श्रुति और आद्या को बताएगी कि आज स्पाइस एंड चटनी की री ओपनिंग है। वो सभी को इनॉग्रेशन में आने का न्योता देगी। आद्या अपनी डांस क्लासेस का बहाना करके वहां जाने से मना कर देगी, लेकिन श्रुति अनुज के साथ जाने को राजी हो जाएगी। वहीं यशदीप की माँ उस पर दबाव बनाएगी कि वो आज किसी भी हाल में अनुपमा को प्रपोज करे। वह उसे रिंग देगी और कहेगी कि आज अनुपमा से अपने दिल की बात कहे, फिर चाहे उसका जवाब जो भी हो। उधर शाह निवास में जब अंश को खांसी होगी तो वनराज शाह को बहाना मिल जाएगा और वह तपिश पर हावी हो जाएगा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि टीटू की वजह से अंश को खांसी हो गई है क्योंकि उसने आम खिलाया है। वो कहेगा कि बाप बनने में और बाप होने में बड़ा फर्क होता है। टीटू बार बार कहेगा कि उसने अंश को आम नहीं खिलाया, लेकिन वनराज उस पर चिल्लाता रहेगा, जिसके बाद में अंश खुद ही सबके सामने कहेगा कि पापा ने उसे आम नहीं खिलाया बल्कि उसने खुद ही चुपके से आइसक्रीम खा ली थी जिसकी वजह से उसे खांसी हो गई है। तब तपिश अपने ससुर वनराज शाह से कहेगा कि वो अच्छी तरह जानता है कि उसके बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए हर बात में दखल देना बंद करें। इस पर वनराज चिढ़ जाएगा। उधर रेस्टोरेंट की री ओपनिंग में यशदीप और अनुपमा को करीब देकर अनुज कपाड़िया को जलन होगी और इसी बीच उसे यशदीप की जेब से गिरी वो अंगूठी मिल जाएगी। यशदीप जब कहेगा कि यह अंगूठी उसकी है तो अनुज उससे पूछेगा कि अनु के लिए? यशदीप कहेगा हाँ, आज मैं अनुपमा जी से अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ। उधर बापूजी भड़क जाएंगे और वनराज शाह को सबके सामने बेइज्जत करेंगे। बापूजी कहेंगे कि कभी कभी सोचता हूँ कि अंश को मेले से यह बाजा क्यों दिलाया जब वनराज शाह घर में पूरे दिन पै 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 करता रहता है। उधर रेस्टोरेंट की री ओपनिंग में जब तोशु बुके लेकर पहुंचेगा तो लगे हाथ उसकी नौकरी की बात चल पड़ेगी। अनुपमा अपने रेस्टोरेंट में तोशु को वेटर की नौकरी देगी। तोशु अपनी क्वालिफिकेशन और योग्यता का ढोल पीटेगा, लेकिन अनुपमा इस बात पर अड़ी रहेगी कि करनी है तो उसके रिकॉर्ड के हिसाब से उसे यही काम मिलेगा। काम करना है तो बर्तन धोने का काम करे और समझे कि कोई काम छोटा नहीं होता। इस बात पर तोशु बिदक कर वहां से चला जाएगा। ये था आज के एपिसोड का अपडेट। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।